All right, friends, Radhe Radhe. So today we are starting very, very important topic, and the name of the topic is a cost of capital. This is your chapter number 4 and cost of capital, right? Chapter number 4, cost of capital. उसमें सबसे पहले अपन ले लेंगे cost of debt, इसको KD बोलेंगे अपन. Cost of preference shares, इसको KP बोलेंगे. Cost of equity, इसको बोलेंगे KE. और cost of retained earning means मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने सपोज 100 रुपये कमाए हैं और उसमें से आपने डिविडेंड बांट दिया 60 रुपया, तो बाकी का जो बचेगा उसको बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग. कितना हो जाएगा अपना 40. उसकी भी कॉस्ट रहती है, तो उसकी क्या कॉस्ट रहेगी उसको भी अपन देख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डेप्ट मीन्स किसी भी प्रकार का अगर आपका लोन रहेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, बराबर. और इसको डिनोट करेंगे बाय के डी. ये एक इरिडीमेबल रहेगा, राइट, और एक रिडीमेबल रहेगा. मीन्स इरिडीमेबल मीन्स आपको उसका पेमेंट नहीं करना है, और रिडीमेबल मीन्स जब आफ्टर सम टाइम्स आपको उसका पेमेंट करना है. ठीक है, मैंने आपको डे वन फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरेस्ट एक ऐसा कंपोनेंट है, दिस इज इंटरेस्ट, जिसके ऊपर अपने को टैक्स का सेविंग मिलता है. बिकॉज इंटरेस्ट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, तो बिजनेसमैन को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे सब कुछ अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पहला लेक्चर वापस से आप देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एंड सपोज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इनकम टैक्स रेट है आपका सपोज से 50%, इट मीन्स 2500. तो आपका नेट इंटरेस्ट हो जाएगा 2500. आपका नेट इंटरेस्ट हो जाएगा 2500, मीन्स बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट यू कैन सेव योर टैक्स. जैसे सपोज अगर आपका ये आपको दे रखा है, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स बाय इनकम आपका सपोज 10,000 है, ओके, एंड टू एक्सपेंस आपका है 1,000, इट मीन्स टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका है 9,000. इसका मतलब आपको टैक्स भरना पड़ेगा 50% ऑफ 9,000, इट मीन्स 4,500. लेकिन सपोज इसमें अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, तो देन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 9 है, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे 5, इट मीन्स टैक्सेबल बचा प्रॉफिट 4,000. आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बचेगा 4,000, और उस पर आपको टैक्स कितना भरना है, आपको टैक्स 50% ऑफ 4,000, इट मीन्स 2,000 भरना है. पहले आप कितना भर रहे थे 4,500, अभी आप कितना भर रहे हैं 2,000, इट मीन्स बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आपका जो टैक्स है वो सेव हो जाएगा. दिस इज द मेन पार्ट. तो बिकॉज इंटरेस्ट मीन्स दिस इज योर इंटरेस्ट माइनस आपका टैक्स सेविंग, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट. तो पहले हम लोग ले लेते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस, इरिडीमेबल डिबेंचर और लोन, बराबर. दिस इज योर के डी इक्वल टू, दिस इज योर इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स डिवाइडेड बाय. सबसे पहले देखने का अपने पास अगर मार्केट वैल्यू है तो यू टेक मार्केट वैल्यू, अगर आपके पास वो नहीं है तो देन यू टेक नेट प्रोसीड्स. अगर वो भी आपके पास नहीं है तो देन यू टेक बुक वैल्यू. सही है, सुनो फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ध्यान रखना है. इरिडीमेबल कर रहे हैं हम लोग, जिनका अभी रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है उनका डिवेंचर और लोन के डी फॉर डेप्ट, राइट. इंटरेस्ट में से आप माइनस करिए टैक्स सेविंग नंबर 1, मार्केट वैल्यू से डिवाइड करिए नंबर 2, नेट प्रोसीड से डिवाइड करिए और नंबर 3 बुक वैल्यू से. ये सीक्वेंस, क्योंकि यहां पे आपको काफी कंफ्यूजन रहेगा, 1, 2 एंड 3 आपका क्या रहेगा, 1, 2 एंड 3 के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट. ओके,
डिवेंचर और लोन, डिवेंचर और लोन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में से टैक्स सेविंग, मार्केट वैल्यू, नेट प्रोसीड्स एंड बुक वैल्यू, इनसे डिवाइड अपने को करना रहता है। करके सही आंसर है फ्रेंड्स, आपको परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ये सीक्वेंस में जाना है राइट। और अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं जमता तो देन यू टेक एन अजम्पशन, और वो अजम्पशन आप लिख दीजिए राइट, वो अजम्पशन आप लिख दीजिए। ओके, लिख दीजिए आपका अजम्पशन क्या है वो लिख दीजिए। ओके, तो सबसे पहले आप ले लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज योर इलस्ट्रेशन वन। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लियर करता जाता हूँ। इलस्ट्रेशन वन एंड पेज नंबर 4.1, इलस्ट्रेशन वन पेज नंबर 4.1। फाइव ईयर्स एगो सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल, कौन सा है? इरिडीमेबल, ओके, इरिडीमेबल डिवेंचर ऑफ 103 एट 3 रुपीज प्रीमियम टू देयर पार वैल्यू ऑफ 100। द करेंट मार्केट प्राइस दीज डिवेंचर इज 94। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स 35%, कैलकुलेट इट्स करेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैपिटल। मैंने आपको क्या बताया था, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स डिवाइडेड बाई, पहला मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू, अगर नहीं है तो नेट प्रोसीड्स, और अगर नहीं है तो बुक वैल्यू और योर फेस वैल्यू। ओके, कोई कोई लोग इनको 1-TV बोलते हैं, 1-टैक्स रेट भी बोलते हैं। ओके, इनटू ये इंटरेस्ट, 1-टैक्स भी बोलते हैं उसको, लेकिन आप यही फॉलो करिए राइट, आप यही वाला फॉलो करिए इंटरेस्ट। अब देखो आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका इंटरेस्ट है 12 रुपीज, और उसके ऊपर आपका टैक्स सेविंग, एकदम सिंपल तरीके से आप लीजिए टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग आपका कितना है 35%। इट मींस 12 का 35% इज 4.2, एंड दिस इज योर इंटरेस्ट नेट माइनस 12 इज 7.8। तो के डी इक्वल टू योर 7.8 डिवाइडेड बाई, मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आप ले लीजिए मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, 94 इंटू 100, इट मींस 7.8 डिवाइडेड बाई 94 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 8.30%। सही है सुनो फ्रेंड्स राइट, इसको अपन क्या बोलेंगे, इलस्ट्रेशन वन पेज नंबर 4.1, के डी कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट हमारा कितना है 12% ऑफ 100, 12% अपने को दे रखा ना, तो 12% ऑफ 100 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, 12% ऑफ 100 माइनस टैक्स सेविंग 35% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज योर मार्केट वैल्यू, के डी इक्वल टू 7.8 डिवाइडेड बाई 94 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 8.3%। सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर होना, ये आपका कौन सा था, डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर आपका था, उसका ये वैल्यू आएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके चलता हूं, इज इन क्लियर हो गया, या फिर कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, इस वाले पार्ट को लिखते हैं इंटरेस्ट 1-टैक्स रेट, इसका मतलब इंटरेस्ट आपका कितना था 12, 1-टैक्स रेट 0.35, इट मींस 12 इंटू 0.65 आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 7.8। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप एकदम सिंपल तरीके से लिखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो इंटरेस्ट आप लेके रख लीजिए। सही है सुनो, बोलो आपका के डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस, पहले मार्केट वैल्यू, नेट प्रोसीड्स, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू।
अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर इलस्ट्रेशन टू, अभी आपका रिडीमेबल। ए कंपनी इशूड 10% डिवेंचर गिवन दिस इज 10,000 नंबर्स ऑफ डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब प्रीमियम पे उन्होंने इशू किया है एंड प्रीमियम है अपना 10%। द डिवेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी, इट मीन्स उनका रिडेम्पशन करना है ऑन मैच्योरिटी। ऑन कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट, आपका टैक्स रेट कितना है इस 35%। मैंने आपको क्या बताया था, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स। ओके, ये आपका केडी होता है, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है। इट मींस पहला पार्ट आपका हो जाएगा, दिस इज योर केडी, केडी इज योर इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, ये आपका क्या हो जाएगा, केडी हो जाएगा। लेकिन आप जरा ध्यान रखिए कि हम लोगों ने ये जो डिवेंचर है, वो जो डिवेंचर है वो हमें नेट प्रोसीड्स कितना मिला था, हमें हमने जब इशू किया तो हमको मिला था 110, लेकिन हमको रिडेम्पशन करना है 100 रुपीज़ में, बराबर। इसका मतलब 100 और 100 मिला अपने को, 110 देना है 100, इट मीन्स 10 रुपीज़ का बेनिफिट अपने को हो गया, 10 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया। और कितने साल के बाद अपने को पैसा देना है, दिस इज अपन ने इशू किया 1/4/2017 to 1/4/22, इट मीन्स 18, 19, 20, 21 and 22, इट मीन्स आपको दिस इज 18, 19, 20, 21, 22, इट मीन्स 1/4/22, 1/4/17 को इशू किया है, 1/4/22 को हमको रिडेम्पशन करना है, 18, 19, 20, 21 and 22, इट मीन्स 5 years तक हमने ये पैसे को यूज़ किया। इट मीन्स ये नेट प्रोसीड्स हमें कितना मिला है, मिला 110 और पे करना है 100, 18, 19, 20, 21, 22, ओके। हमको पे कब करना है बोलो, हमको पे करना है 22 को, और मिला कभी 17, 5 साल, और हम लोग को मिला कितना था 110, हमने रीपे कितना है 100, इट मीन्स 10/5, तो अभी अपने को 2 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। इसका मतलब 2 रुपीज़ का अपना बेनिफिट, वो भी तो इंटरेस्ट में से कम हो जाएगा ना फ्रेंड्स, सही है सुनो। तो इसका कॉस्ट अपन क्या निकालेंगे, दिस इज के डी इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स एंड डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज हमारे पास रिडेम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड्स एंड 2। तो हमको इंटरेस्ट कितना है अपना बोलो, इंटरेस्ट 10% है ना, हमेशा इंटरेस्ट किस पर रहेगा, हमेशा इंटरेस्ट किस पर रहेगा फ्रेंड्स, 10% आपका है वो फेस वैल्यू पर, इट मीन्स 10 रुपीज़। 1 माइनस टैक्स रेट भी अपन कर सकते हैं, व्हाट इज द टैक्स रेट, 0.35 प्लस 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, 110 प्लस 100, दिस इज योर रिडेम्पशन वैल्यू 100, नेट प्रोसीड्स 110 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बोलो। के डी आपका इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, ये आपका इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की वजह से
टैक्स सेविंग हो गया, या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। या 1 माइनस टी भी बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट 1 टैक्स, ओके, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स, बराबर। तो आपका क्या आ जाएगा, इट मींस 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6.5, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फ्रेंड्स, वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दिस इज के डी इक्वल टू इंटरेस्ट लेस टैक्स सेविंग्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई एन। रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2। इंटरेस्ट आपका कितना है, 10। टैक्स सेविंग 35%, इट मीन्स 3.5 प्लस, व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू, व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू आपका 100 है, जबकि नेट प्रोसीड्स हमको कितना मिला है, 100 माइनस 110 कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए, ओके, डिवाइडेड बाई रिडेम्पशन वैल्यू 100 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 10 माइनस 3.5 इज 6.5, 110 डिवाइडेड बाई 5, अपने को 2 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, 110 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस कम्स टू 105 इंटू 100। अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम, के डी, सो के डी इक्वल टू 6.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, एंड दिस कम्स टू आपका, ये माइनस हो जाएगा ना 2 रुपीज, इट मीन्स 6.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, एंड दिस कम्स टू 4.28%, 4.28%, 4. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए केडी, केडी मींस कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, और उस और रिडेम्पशन पे अगर अपने को कम पैसा देना है तो वो बेनिफिट भी तो हमको इसी की वजह से मिल रहा है। तो रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई कितने साल का है, तो रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2, ये टैक्स, ये आपका इंटरेस्ट, उसमें से अपने को टैक्स सेविंग मिला, रिडेम्पशन पे 100 अपने को देना है जबकि हमको मिला 110, तो 10 रुपये का बेनिफिट हुआ 5 साल में, 2 रुपये का हर साल हुआ, 110 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एवरेज प्राइस केडी आपका। अब ये भी हो सकता है कि कभी कभी रिडेम्पशन पे हमको ज़्यादा पे करना पड़े, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है रिडेम्पशन पे हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर अपन ज़्यादा पे करेंगे तो हमको लॉस होगा, तो उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे करके, सही आसन है, सही आसन, ऑलराइट। देखो कैसे करेंगे, अब आप आ जाइए, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 3 इज 4.3, पहले गिवन करके पूरा लिख लीजिए ना आप, ए कंपनी इशूड 10,000 डिवेंचर्स, ए कंपनी इशूड 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100, कभी इशू किया है
दिस इज 1/4 12 टू 1/4 22 ठीक है. द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑन 1/4 17 1/4 17 को कंपनी को चाहिए ऑलराइट फ्रेंड्स. अब आराम से एक एक पॉइंट को बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है. आप जरा देखिए एक कंपनी इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 इशूड 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 एट पार ऑन 1/4 12 कभी इशू किया है 1/4 12 टू बी मैच्योर्ड. इसका मतलब क्या हो गया दिस इज योर रिडीमेबल ओके. कभी रिडीम करना है अपने को इट मीन्स 1/4 कभी रिडीम करना है ये इशू किया है. आराम से एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिए. दिस इज 1/4 12 to 1/4 22 ओके. इज दिस क्लियर. ए कंपनी इशू 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1/4 12 और उनका मैच्योरिटी है आफ्टर 10 ईयर्स मीन्स 10 ईयर्स के बाद हमको क्या करना है उनको मैच्योर करके पैसा वापस करना है. द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑन 1/4 17 1/4 17 को कंपनी को एग्जिस्टिंग KD चाहिए ओके. डेप्ट मार्केट प्राइस है इसका मतलब मार्केट प्राइस है आपका ₹80 वेन द मार्केट प्राइस है कभी का मार्केट प्राइस है आपका 1/4 17 कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर इनकम टैक्स रेट आपका इनकम टैक्स रेट है 35% इसका मतलब आपको रिडेम्पशन करना है आपको मिलेगा 80 आपका मार्केट वैल्यू है आपका 80 ये आपका क्या हो गया नेट प्रोसीड्स ओके. और रिडेम्पशन आपको करना है रिडेम्पशन वैल्यू है 100 आपको रिडेम्पशन कितना करना है 100 और लाइफ कितना है दिस इज 10 ईयर्स आपका इंटरेस्ट कितना है आपका इंटरेस्ट है 10 और टैक्स सेविंग्स है 35% इट मीन्स 3.5 एंड दिस कम्स टू 6.5 सही आंसर. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स बोलो. 80 आपका क्या है नेट प्रोसीड्स 100 आपका क्या है रिडेम्पशन वैल्यू 10 इयर्स के बाद आपको पे करना है इंटरेस्ट 10 टैक्स सेविंग एकदम सिंपल. और फिर अपने फॉर्मूला में डाल दो आप KD इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर्मूला लिखना जरूरी है हाँ लेस टैक्स सेविंग्स प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स ये आपका क्या हो जाएगा एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स फिर रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई सही है सुनो फ्रेंड्स बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैं गोइंग फास्ट बराबर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो वापस से लिखूं इट मीन्स KD कितना है ₹10 हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 3.5 इट मीन्स 6.5 प्लस व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू इज ₹100 मिला कितना है 80 10 इयर्स में 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 6.5 प्लस 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 10 इज 2
देन 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 90. सो दिस कम्स टू 6.5 प्लस 2 इज 8.5 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, इनटू 100. 8.5 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 एंड दिस कम्स टू आपका 6.5 1412. कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑन 1417 को उनको चाहिए, 1417 बराबर. इसका मतलब डिवाइडेड बाई अपने को 5 करना पड़ेगा, 5 ईयर्स होगा ना टोटल. कॉस्ट ऑफ डेप्ट उसको क्या चाहिए, 5 चाहिए ना, तो डिवाइडेड बाई 5 होगा ये ना फ्रेंड्स. ये अपना पीरियड था ना फ्रेंड्स, 10 ईयर्स. लेकिन उनको चाहिए कभी, चाहिए 1417 को, कॉस्ट ऑफ 17. तो 17 के बाद अपना काउंट होगा ना, 18 19 20 21 22, इट मींस 5 ईयर्स. ओके, ये मिस्टेक हुआ था. सो डिवाइडेड बाय 5 आपका क्या आ जाएगा, 17 में उसको कॉस्ट चाहिए ना फ्रेंड्स, इट मींस 100 माइनस 80, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4 रुपीज. 6.5 प्लस 4 इज 10.5. सो 10.5 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 11.67. वापस से देख लीजिए आप क्या क्या बोला है फ्रेंड्स आपने. उसने पूछा 17 को ना, तो 17 के बाद आपका रिडेम्पशन का कितना, 5 ईयर्स ही बचा ना. पीरियड इशू किया है उसने 1412 को. सो 17 से अभी अपने को देखना पड़ेगा कितना टाइम बाकी है, 5 ईयर्स बाकी है. सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हो. अभी एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चन को हम लोग YTM मेथड से भी यू सॉल्व कर सकते हैं. YTM इट मींस यील्ड ऑन मैच्योरिटी, यील्ड ऑन MATURITY मैच्योरिटी, yield on maturity, YTM. याद है आपको, मैंने चैप्टर 7 में आपको कराया था, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इट इज ए रेट ऑफ रिटर्न. यहां पे जो रेट आएगा वो क्या रहेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल टू डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. शांति से अगर ये क्वेश्चन नहीं बोला है तो जो मैंने आपको प्रीवियस ये जो 3 कराया था आपको ऐसे ही करना है बराबर. कभी कभी अगर वो बोलता है नहीं YTM से करिए तो आप कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए एकदम ना आराम से.
एक एग्जाम्पल आपके उसमें दे रखा है, इसको मैंने नाम दिया है क्वेश्चन नंबर 5 एंड योर पेज नंबर 4.60। ए कंपनी इशू 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 इशूड 10,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 कभी इशू किया है 1/4/2013 को टू बी मैच्योर्ड 1/4/2018 ओके सो 14, 15, 16, 17, 18 इट मीन्स फॉर 5 years द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द करेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इट मीन्स इसका मार्केट प्राइस है ₹80 इसका मतलब मार्केट प्राइस आपको 80 आप कितने में इशू कर सकते हैं इसको 80 में लेकिन आपको रिडेम्पशन कितना करना पड़ेगा इट मीन्स आपका नेट प्रोसीड्स माना जाएगा 80 और आपका आरबी आएगा 100 और आपका एन क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा 5 years इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट दिस इज 10 और उसमें टैक्स सेविंग आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स 35% इट मीन्स 3.5 तो आपका नेट आएगा 6.5 सही है सुनो ये आपको क्या दे रखा है गिवन इशूड 10,000 10% डिवेंचर 100 इज 1/4/13 to 1/4/18 फॉर 5 years नेट प्रोसीड्स 80 रिडेम्पशन वैल्यू एंड 5 years इंटरेस्ट 10 ये आपको टैक्स बेनिफिट ये आपका नेट सही है सुनो तो या तो अपन अपने तरीके से कर सकते हैं लेकिन इन लोगों ने क्या बोला है कि वी विल सॉल्व बाय वी आर एज्यूमिंग यील्ड ऑन YTM यील्ड ऑन मैच्योरिटी यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड से करेंगे अदरवाइज तो हमारा सिंपल मेथड से हो सकता था करके ना सिमिलर किया था अपन ने ना तो यहां पे अपन क्या करेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी सही है सुनो यील्ड टू मैच्योरिटी ओके तो आपको याद है कैसे निकालते थे अपन इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग IRR सपोज आपने पहला लिया सपोज से डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% और 10% पे अपन देखेंगे कि अपने को नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव इसको क्या बोलते थे अपन ट्रायल एंड एरर मेथड बराबर इसका मतलब आपका जीरो ईयर में कितना वैल्यू मिल रहा है 80 इंटू वन आपका ₹80 ठीक है अब फर्स्ट ईयर 1, 2, 3, 4 and 5 इंटरेस्ट आपका कितना है 10 टैक्स सेविंग 3.5 इसका मतलब इंटरेस्ट देंगे 6.5 आपको ₹80 मिला और उसके बदले आप क्या दे रहे हो 6.5 ओके ये आपका क्या हो गया ए कंपनी इशू 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1/4/13 टू बी मैच्योर्ड 1/4/18 द कंपनी वॉन्ट्स टू नो द करेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट मार्केट वैल्यू ओके इसका मतलब ₹80 आपका क्या है ये आपका डिवेंचर का मार्केट वैल्यू है ना उसके बदले में क्या है इंटरेस्ट कितना है 6.5 6.5 6.5 6.5 इंटू
व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस? सपोज ये आपका जीरो ईयर में, ठीक है, इट मीन्स 0.909.826.751.751, दिस इज 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 909.826.751.683, ओके. और फिफ्थ ईयर में देन रिडम्पशन के टाइम पे 100 इंटू 0.621. ओके, तो आपका एनपीवी क्या आ रहा है, बराबर इट मीन्स 6.5 इंटू 0.909 इज 5.916. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखते हैं, सपोज 80 रुपीज आपका आज की डेट में मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस है इसका, और उसके सामने आपको क्या आ रहा है, आपके सामने आपके पास आ रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट 6.5 इंटू 0.826 इज 5.37, देन 6.5 इंटू 0.751 इज 4.88, 6.5 इंटू 0.683 इज 4.44, राइट, 6.5 इंटू 0.621 इज 4.03, एंड 100 इंटू 0.621 इज 62.1. तो आपका एनपीवी क्या आएगा, 5.91, 5.37, 4.88, 4.44, देन 4.03 एंड 62.1 इज 86.73. और उसमें से अगर अपन ये माइनस कर देते 80, तो अपना एनपीवी आएगा 6.73. सपोज अगर मैं 80 रुपीज का एक मार्केट में डिवेंचर लाइक लेता हूँ, तो 80 रुपीज मेरा आउटफ्लो हो जाएगा, 80 रुपीज मेरा आउटफ्लो हो जाएगा. यील्ड ऑन मैच्योरिटी, यील्ड ऑन मैच्योरिटी मुझे क्या मिलेगा, 80 रुपीज मेरा गया, उसके बदले में 5 ईयर्स तक मुझे क्या मिलता रहेगा, 5 ईयर्स तक मुझे मिलेगा इंटरेस्ट, और 5 ईयर के एंड में मुझे क्या मिलेगा, मेरा प्रिंसिपल रिटर्न. प्रिंसिपल रिटर्न कितना मिल रहा है मैच्योरिटी पे, 100 रुपीज, और ये आपके क्या हो गए सारे कंपोनेंट्स, दिस इज ए इंटरेस्ट फॉर यू. सही है सुनो फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरा पॉजिटिव एनपीवी आ गया, मेरे को पॉजिटिव एनपीवी नहीं चाहिए. अगर मेरा 80 रुपीज का, इसको इस तरह से आप एज्यूम करो, 80 रुपीज आपका आउटफ्लो हुआ, आपने मार्केट प्राइस 80 रुपीज है, 80 रुपीज का आपने डिवेंचर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, एक साल के बाद इंटरेस्ट, दूसरे साल इंटरेस्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसका ये डिस्काउंट फैक्टर एनपीवी आपका ये आ गया. हमको एनपीवी क्या चाहिए, जीरो. इसका मतलब हम लोगों ने लेके देखा, दिस इज 15%. 15% मीन्स 80 into 180, देन 15%, इट मीन्स 6.5, 100 divided by 115 is 0.869. 100 divided by 115 into 0.769.756.6.571.571.497 and 0.497. It means 6.5 into 0.869
this comes to 5.65. Then 6.5 into 0.756 is 4.91. 6.5 into 0.657 is 4.27. Then 6.5 into 0.571, 3.71. 6.5 into 0.497 is 3.23, or 100 into 0.497 is 49.7. 5.65, 4.91, 4.27, 3.71, 3.23, and 49.7. 71 minus 80 is 8.53. इसका मतलब मेरा आउटफ्लो कितने का है? मेरा आउटफ्लो है 80 रुपीस. उसके सामने मुझे 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट. और फिफ्थ ईयर के एंड में मुझे क्या मिल रहा है? प्रिंसिपल. ये आपका, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मेरा IRR है. What is IRR? Present value of inflow. Present value of inflow is exactly equal to present value of outflow. लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है. यहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा है. तो अपन क्या करते थे, याद है? IRR equal to lower rate 10 plus NPV of lower rate 6.73, NPV of lower rate 6.73 माइनस माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हायर रेट 8. आई अगेन एक्सप्लेन. याद है आपको IRR चैप्टर 7 में अपन ने किया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बोलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपन ने किया था, याद है IRR वाला पॉइंट? This is your IRR. IRR equal to lower rate plus NPV of lower rate. NPV of lower rate minus NPV of higher rate into difference. अब lower rate आपका क्या है, 10 plus NPV of lower rate 6.73 divided by 6.73, minus minus करेंगे क्या हो जाएगा, plus 8.53 into difference दोनों का ठीक है 5. So 6.73 plus 8.53 is 15.26. So 6.73 divided by 15.26 into 5 plus 10, 12.20. इसका मतलब अगर आप yield to maturity method से जाते हैं, इसका मतलब आप इसको आउटफ्लो कंसिडर करिए. एनपीवी में वही तो लेते थे अपन, मार्केट वैल्यू. मीन्स 80 रुपये का अगर आपने डिवेंचर खरीदा तो 80 रुपये आपका आउटफ्लो हो जाएगा. 80 रुपीज अगर आपने डिवेंचर खरीदा तो 80 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, 80 रुपीज आपका आउटफ्लो हो जाएगा. उसके सामने आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा. और उसके बाद एंड ऑफ द, तो हमने इसका देखा कि भाई कौन सा ऐसा रेट है जहाँ पे हमारा 80, 5 साल के बाद उसका प्रेजेंट वैल्यू 80 आएगा. तो दैट रेट इज ए 12.2%. से यस नो फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपन इसी टाइप के क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, क्या अपना चल रहा है? ओके,
एक दूसरा आप लीजिए, जैसे सपोज यू टेक दिस इज इलस्ट्रेशन 5 एंड पेज नंबर 4.5, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 4.5. RBML is proposing to sell 5 years bond of 5000 at 8% interest per annum. The bond amount will be amortized equally over its life. Calculate the bond present value for an investor if the expected minimum return of 6%. Dekho. RBML is proposing to sell a 5 years bond. 5 साल का 5 years बॉन्ड है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल गिवन. 5 years बॉन्ड एट द रेट ऑफ 8% उसको क्या मिलेगा इन्वेस्टर को, इंटरेस्ट. एंड बॉन्ड अमाउंट विल बी एमोटाइज, इट मीन्स 5000 डिवाइडेड बाय 5 years, इट मीन्स हर साल आपको प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा, कितना, रुपीज 1000. कैलकुलेट द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू, अगर आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है एट द रेट ऑफ 6%. सही है सुनो फ्रेंड्स, 5 years का कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड एट द रेट ऑफ 8% और एमोटाइज करेगी उसको, मीन्स हर साल प्रिंसिपल भी वापस देगी 1000 प्रिंसिपल, और डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसका 6. सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके. इट मीन्स आपको प्रेजेंट, इट्स वेरी सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू निकालना. इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ईयर. प्रेजेंट वैल्यू क्या, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू अपने से पूछा है, इट मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2, 3, 4, 5. एक तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा प्लस आपको इंटरेस्ट मिलेगा मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू. हर साल 1000 रुपया प्रिंसिपल का मिलेगा, प्लस हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो पहले 5000 पे मिलेगा, फर्स्ट ईयर 5000 इंटू 8% आपको कितना आएगा, 400. सेकेंड ईयर आपको कितने का मिलेगा, दिस इज योर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बराबर 4000 इंटू 8% 320. थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, देन 3000 के ऊपर 8% 240. 2000 के ऊपर 8% 160 और 1000 के ऊपर 8% इज 80. इट मीन्स 400, 320, 240, 160 एंड 80 इंटू व्हाट इज योर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 6%. दे आर नॉट, दे आर आस्किंग प्रेजेंट वैल्यू. इट मीन्स 1400, 6% का निकाल लो, 100 डिवाइडेड बाय 106 इंटू पॉइंट 94.89, यू कैन से 88 ऑल्सो, 0.88.84.79.75. It means 1400 into 0.94 is 1316. Then 1320 into 0.88 is 1162. Then 1240 into 0.84 is 1042. Then
1000 इंटू 160 इंटू 0.79 इज 1000 प्लस 160 इंटू 0.79 इज 916 और 1080 इंटू 0.75 इज 810 1316 1162 1042 916 प्लस 810 इज 5246। आपने से क्या पूछा है? इफ यू एक्सपेक्ट अ मिनिमम रिटर्न 6% पर एनम, कैलकुलेट द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन इन्वेस्टर। सपोज अगर मैं इन्वेस्टर हूं, ओके, तो मैंने 5000 रुपीज का अगर बॉन्ड लिया तो मुझे क्या मिलेगा? उसका मेरे को प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मैं एक्सपेक्ट करता हूं 6% रिटर्न। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं फ्रेंड्स? बोलो, 6% रिटर्न। इट मींस 1000 1000 1000 1000 1000 इंटरेस्ट ये आपका आ गया, ओके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको फुल पे मिलेगा, फिर 1000 कम हो गया तो 4000 पे मिलेगा, फिर 1000 कम हो गया क्योंकि प्रिंसिपल आपको मिलता जा रहा है ना, फिर 2000 पे आपको मिलेगा, फिर 1000 पे आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। सही है सॉल्व, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सही है सॉल्व, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको ये मिल जाएगा। सही है सॉल्व। अब इसी में ही कभी कभी कन्वर्टेबल डिवेंचर भी होते हैं, मीन्स डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इक्विटी कैपिटल में, डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी। कंपनी बोलती है भाई अभी आप डेप्ट ले लो, हमको लोन दे दो, और वंस वी विल एस्टेब्लिश देन वी विल गिव यू द इक्विटी शेयर्स, कन्वर्ट कर देंगे आपके डिवेंचर को इन फॉर्म ऑफ इक्विटी, राइट। तो देखो जरा, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, पेज नंबर 4.7। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है एंड पेज नंबर 4.7 क्या दे रखा है फ्रेंड्स? ए कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल मीन्स जिनको, कन्वर्टेबल मीन्स जिनको हम लोग इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, डिवेंचर को इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। ए कंपनी इशूड 10,000, इट मीन्स ए कंपनी इशूड, पहले गिवन करके लिख लोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा। 10,000 एक कंपनी इशूड 10,000 15% एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर। एक कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ 100 ईच। एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपीज ईच। ए कंपनी इशू 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर 100 ईच विद ए मैच्योरिटी पीरियड, इट मीन्स रिडेमेबल है मैच्योरिटी पीरियड, इसका मतलब 5 साल में आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा, 5 years। एट मैच्योरिटी द डिवेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इन टू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:10। इसका मतलब कंपनी बोल रही है कि या तो मैच्योरिटी पे आप पैसा ले लो, रिडेम्पशन ले लो, या फिर यू कैन कन्वर्ट, कन्वर्ट इट मीन्स अगर आप एक डिवेंचर दोगे तो आपको इक्विटी कैपिटल मिल जाएगी 10 शेयर्स। आपको इक्विटी कैपिटल का कितना? 10 शेयर्स मिल जाएंगे। एक कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर। एक कंपनी इशूड 10,000 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर ईच, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। ए मैच्योरिटी डिवेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट डिवेंचर इन टू इक्विटी शेयर्स, या तो आप रिडेम्पशन ले लो या फिर आप डिवेंचर को इक्विटी में चेंज कर लो। इसका मतलब आपको 10 शेयर्स मिलेंगे फॉर ईच डिवेंचर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी इज 12, इट मीन्स आज की डेट में करेंट मार्केट प्राइस,
करेंट मार्केट प्राइस आपको मिल रहे हैं इज ₹12 पर शेयर। करेंट मार्केट प्राइस आपका है ₹12 पर शेयर एंड ग्रोथ है आपका 5%। इसका मतलब एट द एंड ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 देर इज ए ग्रोथ। ग्रोथ आपको कितना है 5% एंड इनकम टैक्स रेट है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शांति से करिए आप करके ना, 13.23 × 1.05 is 13.23 × 1.05 is 13.23 × 1.05 is 13.89 13.89 × 1.05 1.05 is 14.58 and 14.58 into 1.05 is 15.3। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं, ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो फ्रेंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आपका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा शेयर का इज बिकॉज देर इज ए ग्रोथ। ग्रोथ कितना आपको दे रखा है, ग्रोथ दे रखा है 5%। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज्यूमिंग 30%, इट मीन्स ये आपका प्राइस हो जाएगा आपके शेयर का 15.31। और हम कितने शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब हम दे रहे हैं 15.31 × 10, इट मीन्स ये आपका हो जाएगा आपका, अब धीरे धीरे देख लेते हैं, पहला तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, व्हाट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट, योर इंटरेस्ट कॉस्ट आपका होगा 100 × 15%। इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलेगा आपको, फेस वैल्यू पे, बराबर। उसमें से आप माइनस करिए टैक्स सेविंग, आपका टैक्स सेविंग कितना है, आपका टैक्स सेविंग है 35%, बराबर। इट मीन्स 15 × 35% इज 5.25 माइनस 15 इज 9.75। आपका रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगा 15.31 × 10 शेयर अपन दे रहे हैं, इट मीन्स 153.10। आपका क्या हो जाएगा, 15.31 × 10 अपन दे रहे हैं, 153.10। आपका नेट प्रोसीड्स, आपको नेट प्रोसीड्स कितना मिल रहा था, आपका नेट प्रोसीड्स ₹100 का अपन ने इशू किया था डिवेंचर, इट मीन्स डिवेंचर इशू किया था ₹100 का, बराबर। और नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5, ये आपको दे रखा है मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स। तो मैं आपको दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बता देता हूँ करके ना, एक तो अपना ये जो सिंपल वाला फॉर्मूला है उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, दूसरा फिर मैं आपको दूसरे तरीके से और बता देता हूँ। हाँ अपना पहले सिंपल वाला जो फॉर्मूला है उससे बता देता हूँ, फिर आपको यील्ड ऑन मैच्योरिटी, क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चन है ना, कभी कोई सा मेथड यूज करता है, कभी कोई सा करता है, ओके, तो आपको दोनों से बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब के डी इक्वल टू इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग्स प्लस योर रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2, इसको एवरेज आउट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, बताइए पहले फॉर्मूला आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपका
डी इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग 9.75 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू आपका 153.1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स एंड 153.10 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 सही है सोनो फ्रेंड्स. इट मींस आपका केडी हो जाएगा 153.1 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9.75 इज 20.37 डिवाइडेड बाय 153.1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 126.55 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 126.55 इंटू एंड दिस कम्स टू 100 एंड दिस कम्स टू 16.09% सही आंसर होगा. बताओ केडी केडी हमारा क्या है इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग. इंटरेस्ट हमने कितना पे किया 15 टैक्स हमारा कितना सेव हो रहा है 5.25 9.75 आ जाएगा. देन रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 5 इयर्स ये डिवाइडेड बाय 2 इट मींस केडी इक्वल टू ये एंड ये सही है सुनो. अब इसी को मैं ऑल्टरनेटिव मेथड से भी आपको करा देता हूँ यील्ड टू मैच्योरिटी. इसी को मैं आपको यील्ड टू मैच्योरिटी से भी करा देता हूँ. पहले आप ये बताइए ये क्लियर हुआ क्या. से नाइस बोलो राधे राधे. से नाइस यस और नो बोलो प्रॉपर और नॉट. अब इसी को मैं आपको YTM से करा देता हूँ ठीक है. यही इंफॉर्मेशन लेके अपन इसको YTM से भी कर लेते हैं बराबर. इसी को अपन YTM से भी कर लेते हैं. इसी को अपन YTM से भी कर देते यील्ड टू मैच्योरिटी ओके. या फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं. दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ठीक है. पहला अपन लेते हैं सपोज से डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 20% इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिवाइज किया कि नहीं आप लोगों ने नहीं किया ना रिवाइज. ईयर ईयर जीरो में कितना आउटफ्लो है अपना 100 रुपये का डिवेंचर है ना 100 × 1 तो अपन क्या सोचते हैं कि 100 रुपये का एक डिवेंचर लिया बराबर तो आउटफ्लो हो गया 100. अब उसके बदले में इनफ्लो क्या है इंटरेस्ट 1 to 5 years 1 to 5 years इंटरेस्ट कितना है 9.75 ट्रायल एंड एरर ले रहे हैं हम लोग. एक हम लोग ले रहे हैं 15% एक हम लेंगे 20% ओके. अब और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर अपने को क्या मिल जाएगा ये पैसा वापस मिलेगा 153.12 बराबर. तो पहले ये ले लेते हैं 100 रुपये अपना गया अपने को इंटरेस्ट मिलेगा 9.75 ये इंटरेस्ट हो गया और एंड में मिलेगा 153 ये कन्वर्ट हो गया इक्विटी. अब 9.75 वन टू फाइव ईयर्स का क्यूमुलेटिव वैल्यू देखो जरा टेबल 11.8 पे दे रखा है ना 11.8 चैप्टर 11 में देखिए आप चैप्टर 11 जो अपन ने अपेंडिक्स आपको दिया है चैप्टर 11 पेज नंबर 11.8 इट मींस डिस्काउंटिंग फैक्टर आप देखिए 15% और उसका 5 इयर्स देखिए क्यूमुलेटिव दे रखा है ना इसमें
15% का, फर्स्ट ईयर 0.870, फिर सेकंड ईयर में ऐड किया तो क्यूमुलेटिव, थर्ड ईयर में ऐड किया तो, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्यूमुलेटिव किया हुआ। तो या तो आप अलग अलग लो, हर साल लो 9.75 × 1, 9.75 × 2, 9.75 × 3, 4, 5, या फिर आप क्यूमुलेटिव, तो अपन क्यूमुलेटिव ले रहे हैं। तो क्या आ रहा है आपको फिफ्थ ईयर में, देखो आपको फिफ्थ ईयर में क्या आ रहा है, देखो आपको फिफ्थ ईयर में क्या आ रहा है, 3.352, ओके। और एंड ऑफ फिफ्थ ईयर में आपको आएगा, एंड ऑफ फिफ्थ ईयर में आपको आएगा पॉइंट, अब देखो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला टेबल भी देख लो, आप डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला टेबल भी देख लो, हैं आपका ये 15% वाला, 15% वाला, 15% वाला आप देख लीजिए, 15% वाला पेज नंबर 11.4 पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल आपको दे रखा है। 11.4 पे फिफ्थ ईयर का वैल्यू आएगा 0.497, इट मीन्स 153.12 × 0.497, या फिर कैलकुलेटर पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स 76.10, 9.75 × 3.352 is 32.68, it means 76.1 + 32.68 - 100, आपका पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है 8.78, आपका पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है 8.78। हमको क्या चाहिए, हमको आईआरआर चाहिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इट्स अ रेट ऑफ रिटर्न वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ऐसा रेट चाहिए जहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपका हो जाए। सही है सोनो फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज एग्जैक्टली इक्वल टू आपका क्या हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इसका मतलब एनपीवी आपका क्या आना चाहिए, आपका एनपीवी आना चाहिए जीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। 9.75 20% से आप ले लो, तो पहले 20% पे पेज नंबर 11.8, पेज नंबर 11.8 आप निकालिए, पेज नंबर 11.8 इसमें 20% को, 20% को 5 ईयर्स पे देखो, 20% को 11.8, 20% को 5 ईयर्स में आप देखो, आपको आएगा 2.991, इट मीन्स 9.75 × 2.991 इज 29.16, 29.16, और एंड में आपको मिलेगा 153.12 × अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए पेज नंबर 11.4 पे, पेज नंबर 11.4 पे 20% का फिफ्थ ईयर वाला, ये तो क्यूमुलेटिव 5 ईयर्स का था, अब ये फिफ्थ ईयर का इंडिविजुअल, फिफ्थ ईयर का इंडिविजुअल 11.4 पे आप देखिए, एंड दिस कम्स टू 0.402, सो 0.402, इट मीन्स 153.12 × 0.402 इज 61.55, इट मीन्स 29.16, इट मीन्स ये आपका 100 का आउटफ्लो 29.16 + 61.55 - 100, 9.29 negative, सही है सुनो। इसका मतलब इन दोनों के बीच में हमारा आईआरआर है,
हमारा जो IRR है वो क्या है, इन दोनों के बीच में है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जो KD निकल के आएगा वो KD हमारा क्या रहेगा, इज ए IRR। इसको बोलते हैं YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड या प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, क्या करते थे IRR में अपन, IRR इज लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। सही है सुनो फ्रेंड्स, व्हाट इज द लोअर रेट, इज ए 15 प्लस 8.78, बिकॉज माइनस माइनस करेंगे तो 9.29 एंड मल्टीप्लाई बाई दोनों का डिफरेंस इज 5। तो 8.78 प्लस 9.29 ये आपका हो जाएगा 18.07। सही आंसर माय फ्रेंड्स, इट मींस 8.78 डिवाइडेड बाई 18.07 इंटू 5 प्लस 15 एंड दिस कम्स टू 17.43%। इसका मतलब इसके हिसाब से आपका कॉस्ट आ रहा है 17.43। सही है सुनो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, दिस इज ए YTM इसको बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बताया, आंसर तो अपन ने पहले वाले में ही कर दिया था, वो इजी था, लेकिन अगर आपको बोलता है कि YTM से जाइए या ऑल्टरनेटिव मेथड से जाइए तो आपको इस तरह से करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर ये आपका अगर आउटफ्लो है या आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 15% and 20%, फिफ्थ ईयर में आपको पैसा वापस मिल जाएगा एंड दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू IRR, लोअर रेट NPV ऑफ लोअर, LPV ऑफ हायर, उसको माइनस करेंगे हायर रेट लोअर रेट में और ये आपका कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन या तो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। आपको क्या ध्यान रखना है, डिवाइड बाई पहले मार्केट वैल्यू करो, मार्केट वैल्यू नहीं है तो नेट प्रोसीड्स करो, और नेट प्रोसीड्स नहीं है तो बुक वैल्यू करो। इरिडीमेबल है तो एकदम सिंपल है, रिडीमेबल है तो आपको देखना कि अगर आपको नेट प्रोसीड्स से रिडेम्पशन वैल्यू कम या ज़्यादा है तो वो बेनिफिट या नुकसान आपको इंटरेस्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा, बराबर। अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो वो आपको लॉस है, कम पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा, बराबर। या फिर YTM आपका यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। तो दैट इज आई थिंक मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज योर, दिस इज योर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, KP, और ये भी दो तरह का रहेगा, एक इरिडीमेबल और एक रिडीमेबल। ओके, लेकिन इसमें देर इज नो टैक्स बेनिफिट, आपका नो रहेगा, राइट। टैक्स बेनिफिट आपका नो रहेगा। KP इक्वल टू आपका प्रेफरेंस, अगर अपन इरिडीमेबल की बात करें तो KP इक्वल टू आपका प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पहला मार्केट वैल्यू है, दूसरा आपका नेट प्रोसीड्स है और तीसरा आपका है बुक वैल्यू और फेस वैल्यू। सही है सुनो, एक एक करके करेंगे तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 4.8 से मैंने स्टार्ट किया है और आपको दे भी रखा है कि KP इक्वल टू आपका रिडीमेबल रहेगा या इरिडीमेबल। इरिडीमेबल में तो KP इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100, या मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया वही आपको करना है, और उसमें वापस रिडीमेबल में KP डिविडेंड प्लस अगर आप रिडेम्पशन पर कुछ ज़्यादा या कम दे रहे तो उसका भी बेनिफिट या लॉस आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ले लीजिए जैसे योर इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 4.8 क्या बोल रहे हैं, XYZ कंपनी इशू 2010% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच एट 95, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपको क्या बताया, क्या दे रहा है, XYZ कंपनी इशू 2000 का प्रेफरेंस, बराबर,
और 100 रुपीज़ का है वो, लेकिन नेट प्रोसीड्स अपने को कितना मिल रहा है, ओनली 95 ईच. कैलकुलेट द कॉस्ट. और रिडेम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो इरिडीमेबल हो जाएगा. सो के पी इक्वल टू योर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, मैंने आपको क्या बोला था, पहला मार्केट वैल्यू. अगर आपके पास मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर नेट प्रोसीड्स, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर बुक वैल्यू और फेस वैल्यू. केपी इक्वल टू आपका डिविडेंड कितना है, 10%. सो 10 रुपीज़ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 95 × 100, एंड दिस कम्स टू 10/95 × 100, एंड दिस कम्स टू 10.53%. 10.53% सही आंसर ऑफ. ये आपका क्या हो जाएगा, केपी प्रेफरेंस डिविडेंड मार्केट वैल्यू, ओके, नेट प्रोसीड्स और बुक वैल्यू. तो मार्केट वैल्यू अपने को नहीं दे रखा है, तो हम लोगों ने नेट प्रोसीड्स ले लिया. नेट प्रोसीड्स कितना बोल रहा है, 95. 95 ₹100 का है, लेकिन 95 में इशू किया, इसके लिए नेट प्रोसीड्स अपना क्या हो जाएगा, और दिस इज इरिडीमेबल. बराबर, तो इसमें कोई रिडेम्पशन का लफड़ा नहीं है, हम लोगों ने क्या ले लिया, नेट प्रोसीड्स. तो के पी इट मीन दिस इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड, दिस इज योर नेट प्रोसीड्स × 100. आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 7. इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 4.8. 4.8, इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट 100 पर शेयर. आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक 100 पर शेयर विद ए स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, देन कैलकुलेट. वही इसका मतलब, के पी इक्वल टू योर प्रेफरेंस डिविडेंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, नंबर वन, नंबर टू नेट प्रोसीड्स, एंड नंबर थ्री इज ए बुक वैल्यू. और इज द प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 12. मार्केट वैल्यू अपने पास नहीं है, ₹100 का है, और ₹3 उसका फ्लोटेशन कॉस्ट है. 100 - 3 तो आपको नेट प्रोसीड्स मिलेगा इज 97 × 100. दिस विल बी योर के पी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इशू के एक्सपेंस रहते हैं, आपका प्रिंटिंग चार्जेज है, आपने किसी तरह का एक्सपेंस इनकर किया है, राइट, कुछ चार्जेज भरे, कुछ गवर्नमेंट को पेमेंट किया है, कोई भी इशू करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे फ्लोटेशन एक्सपेंसेस. आपने कोई कमीशन दिया है किसी को, कोई प्रिंटिंग के लिए खर्चा किया है आपने, कोई भी इशू से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको अपन नेट प्रोसीड्स बोलते हैं. बराबर, नहीं वो फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं. ₹100 हमको मिला, ₹3 हमारा खर्चा हो गया, तो हमारा कितना गया, 97. 97 पर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 12. इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 97 × 100, एंड आपका कॉस्ट आ जाएगा 12.37. 12.37%. सही है सर, आपका कॉस्ट क्या आ जाएगा बोलो, 12.37%. 12.37% आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा. सही आंसर ना फ्रेंड्स, बोलो. और एक ले लीजिए आप, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 4.9. एक्स वाई जेड लिमिटेड इश्यूज 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 95. द कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम. अब जरा ध्यान रखना, दिस इज रिडीमेबल. रिडीम, दिस इज रिडीमेबल, सेम है आपका ना. द कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. देखो एक्स वाई जेड ने कितना, 2000 एट द रेट ऑफ 10% प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ 100. 2000 के प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10%, ₹100 का एक रहेगा.
एट द रेट ऑफ 95, एट द रेट ऑफ 95, एट द रेट ऑफ 95 द कंपनी प्रपोजेज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर, और मैच्योरिटी पीरियड है उसका से 10 ईयर। सही आसान हो। ओके, मैंने आपको क्या बताया था कि अपने को एक तो ढूंढना होता है रिडेम्पशन वैल्यू, आपका रिडेम्पशन वैल्यू कितना है 100, आपको नेट प्रोसीड्स कितने का मिला 95, आपका एन ईयर्स कितने हैं, आपके ईयर्स हैं, मैच्योरिटी पीरियड है 10 ईयर्स, बराबर, आपका आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है 10 रुपीज, क्योंकि फेस वैल्यू पे ही आपको मिलेगा। सही है, सुनो, रिडीमेबल है ये। इलस्ट्रेशन 8, 4.9, 2000 एट द रेट ऑफ 10%, 100, 95 का है, मैच्योरिटी पीरियड है आपका, मैच्योरिटी पीरियड जो आपको दे रखा है, मैच्योरिटी पीरियड है आपका से, मैच्योरिटी पीरियड है 10, ये आपका ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड है आपका 10 एंड 10 ईयर्स ये, और प्रेफरेंस डिविडेंड ये आपका है प्रेफरेंस डिविडेंड, इट मींस केपी इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स एंड डिवाइडेड बाय 2। प्रेफरेंस डिविडेंड आपका कितना है 10 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू आपका कितना है फ्रेंड्स, रिडेम्पशन वैल्यू है आपका 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 10, 100 प्लस 95 एंड डिवाइडेड बाय 2। सही है सुना फ्रेंड्स, इट मींस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 इज 10.5, 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 इज 97.5 इनटू, क्योंकि परसेंटेज की वजह से, सो 10.5 डिवाइडेड बाय 97.5 इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 10.77%। आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, 2000 का टोटल किया है, 10% प्रेफरेंस मीन्स 10% 100 रुपीज़ का, तो जो डिविडेंड है प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आपको किस पे मिलेगा 100 पे, और 95 में इसका अंदर नेट प्रोसीड्स आपका 95 है, रिडेम्पशन 100 पे होगा, 10 ईयर्स का है, प्रेफरेंस डिविडेंड 10 है, तो सिंपल फॉर्मूला में ही पुट करना है आपको, नथिंग इज न्यू करके ना, एकदम सिंपल आपको फॉर्मूला में ही यूज करके डालना है। सही है सुना, परफेक्टली क्लियर होना। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ आपका एक पार्ट होता है, एक डिवेंचर का और एक आपका ये प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस में भी दो तरह के मैंने आपको बता दिए, एक आपका प्रेफरेंस है जहाँ पे रिडेम्पशन आपको दे रखा है बराबर, और एक आपका रिडेम्पशन नहीं दे रखा। ओके, दैट इज द वन पार्ट। अब उसके बाद सेपरेट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज द इक्विटी का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।